गुड इवनिंग ऑल। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी लोग ने सीईटी का पेपर दिया होगा। अब सीईटी से आप फ्री होंगे होंगे और आई होप कि सबके पेपर अच्छे गए होंगे और आप सभी लोग इस सीईटी के पेपर को क्वालिफाई भी कर लेंगे। अब सीईटी के पेपर होने के बाद में जो हमारा अगला जो टारगेट है, जो हमारा अंतिम टारगेट है, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, वो हमारा है आरएएस। तो अभी आरएएस के लिए लगभग 4 महीने का समय बचा है। तो 4 महीने के अंतर्गत हमें पूर्ण डेडिकेटेड होकर हमारी तैयारी को मूर्त रूप देना है। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अगले 4 महीने है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए ये मोर देन सफिशियंट टाइम है। तो हम प्री के साथ साथ अभी 2 महीने तक मेंस का भी साथ में अप्रोच कर सकते हैं। मेंस के कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है वो अभी तैयार कर सकते हैं साथ साथ में। और जो हमारे मेंस के कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, वो प्री और मेंस दोनों में है। तो इन सब्जेक्टों को इस प्रकार पढ़ना है कि ये हमारे प्री के लिए भी यूजफुल हो और मेंस के लिए भी फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो उस दौरान हमें इन सब्जेक्टों को या इन टॉपिकों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वो टॉपिक हम टाइम पे कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का हम रिवाइज कर पाएंगे। तो हमारी जो क्यूबिट सीरीज है, उस क्यूबिट सीरीज का आज डे है 19। और जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। जो आज के टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार हो जाते हैं कि इसके अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्री के साथ, जो हमारा ये टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस के अंतर्गत या तो डायरेक्ट आ जाते हैं ये क्वेश्चन, या फिर इनका इनडायरेक्ट पूछा जाता है, जिनको हमें जो आंसर है उसमें इनका जिक्र करना होता है। तो ये जो क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना थी, इसके बारे में क्या है? आत्मनिर्भर, कोरोना की जो पेंडेमिक थी उस समय जो मोदी गवर्नमेंट है उसने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, इसी आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। और ये योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2020 को यह योजना शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत जो गरीब एवं वंचित वर्ग है उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था और प्रति परिवार 5 किलो है जो कि खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था। और ये जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था ये पीडीएस के अंदर जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था उसमें इंक्लूड नहीं होता था। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को इस योजना की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाकर 5 वर्ष और कर दी गई है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसके बारे में अगर मेंस में पूछे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 अप्रैल 2020 को ये शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत जो गरीब एवं वंचित वर्ग है उनको प्रति परिवार 5 किलो है जो कि खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था। और ये पीडीएस के अंदर जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था उसके अतिरिक्त दिया जाता था। और 1 जनवरी 2024 को इसकी जो टेन्योर है वो बढ़ाकर कितना, 5 वर्ष और इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर पैदा करने के लिए नो बजट प्रावधान
प्राथमिकताओं में से एक सूचीबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, शहरी विकास, ग्रामीण वित्तीय समावेश, नवाचार, अनुसंधान और विकास। तो हमारा जो ग्रामीण वित्तीय समावेशन है वो जो हाल ही में जो भारत सरकार ने बजट पेश किया था उसमें विकसित भारत की संकल्पना दी गई थी। आप सबने सुना होगा विकसित भारत। दो हजार सैंतालीस तक क्या बनाना है, हमें विकसित भारत बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 9 सेक्टर को चुना जिनको प्रायोरिटी के रूप में रखा, और उनमें जैसे शहरी विकास है, कृषि में उत्पादकता में लचीलापन भी है, नवाचार अनुसंधान है, विकास, इसके अलावा जैसे रोजगार और कौशल हो गया, विनिर्माण इंडस्ट्री हो गई, ये सारे के सारे जो पक्ष है वो इस 9 बजट की प्राथमिकता में शामिल है। ये जो विकसित भारत संकल्पना है ये हम मेंस में पढ़ेंगे कि ये विकसित भारत संकल्पना क्या है, ये विकसित भारत में ये विकसित क्या होता है, विकसित हम किसको कहेंगे, ठीक है। सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इसके लिए क्या क्या समस्या है और सरकार को और क्या किया जाना चाहिए, ये हम मेंस का जब पढ़ेंगे उसमें ये पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन है कि खेत और बागवानी फसलों की कितनी उच्च उपज देने वाली एवं जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी करने का प्रस्ताव किया है। तो पहला है 35-102 किस्म, 32-109 किस्म, 30-112 और 28-115। तो हमारा जो आंसर है वो 32 फसलों की 109 किस्में हैं वो इसमें होगा। तो हाल ही में जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया गया था उसमें किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ये जो 32 फसलों की है वो 109 नई किस्में हैं जो कि जारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करते हैं भाई, ये देखो यूनियन बजट 2024-25 और इसमें लिखा हुआ है न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेरिएंट और 32 फील्ड। तो जो हमारा कंटेंट होता है या क्वेश्चन का सोर्स होता है वो क्या होता है, ऑफिशियली होता है या तो बजट में दिया हुआ होगा या इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में दिया होगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत एक छात्र सरकारी गारंटी के साथ कितना ऋण प्राप्त कर सकता है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और 12 लाख। तो इसमें है 7.5 लाख मॉडल कौशल ऋण योजना, मतलब कोई भी जो स्टूडेंट है वो कौशल विकास के लिए सरकार से कितना ऋण ले सकता है, 7.5 लाख। ये फैक्ट है, याद रखना प्री के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमारा समग्र विकास के लिए जो सूर्योदय पहल है के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम एवं मणिपुर, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सूर्योदय पहल के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्यों का सही समुच्चय है। अब सूर्योदय पहल है तो जो पूर्वी जिले, पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनका समग्र विकास करने के लिए यह पहल शुरू की गई थी, समग्र विकास। अब कई क्वेश्चन आते हैं, सर ये समग्र विकास क्या होता है, या फिर हो सकता है कि जब आप मेंस का लिखो तो उसके अंतर्गत ये समग्र विकास लिखना पड़े, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक 3-4 पॉइंट है वो आप मेंशन कर दो तो आपका जो आंसर है वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे समग्र विकास में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, अगला क्या हो जाएगा, आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाना, ये क्या हो जाएगा इस समग्र विकास में आ जाएगा, रोजगार के अवसर सृजित करना, ये क्या है, समग्र विकास है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो की पॉइंट है, ये आप मेंस के पर्सपेक्टिव में जब आंसर लिखो तो इन ऐसे वर्डों का यूज करना
ताकि जो आपका उत्तर है वो और ज्यादा प्रभावशाली हो। तो हमारा जो पूर्वोदय योजना में क्या क्या है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना विशेष रूप से आर्थिक सहायता के लिए कारीगरों, शिल्पकारों एवं सड़क विक्रेताओं को लक्ष्य करती है? पीएम किसान, पीएम विश्वकर्मा, कौशल भारत और आयुष्मान भारत। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये योजना क्या होती है, एक बार वापस देख लेते हैं सरसरी। जो कारीगर, शिल्पकार, जो परंपरागत कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी 18 श्रेणियां हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो कारीगर जो शिल्पकार है उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना, उनकी वैश्विक जो मूल्य श्रृंखला है उसमें योगदान को बढ़ावा देना, उनमें कौशल विकास करना, ये सारे के सारे किसमें, इस योजना के उद्देश्य हैं। और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो भी ये 18 श्रेणियों के वर्ग के लोग हैं, इनको 1 लाख प्लस 2 लाख, 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। और अगर वो कोई कौशल विकास में संलग्न है तो कौशल विकास में उसको प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। और कोई व्यक्ति यदि आधुनिक उपकरण खरीदता है तो 15,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो ये क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब देखो मैंने बोला कि जो प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है साथ साथ में, कैसे, पीएम विश्वकर्मा योजना। मान लो प्री के अंदर क्वेश्चन आ गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है, चार पांच स्टेटमेंट दे दिए, ये प्री में 5 वर्ड में, या दो जो 50 वर्ड या फिर 15 वर्ड है उसमें, ये मेंस में पूछा जा सकता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषता बताइए या इसके प्रावधान बताइए या इसके उद्देश्य बताइए, तो ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस प्रकार तैयार करना है ताकि प्री में भी काम आ जाए और मेंस के लिए भी ये क्या हो, फ्रूटफुल हो। तो ये हमारा हो गया पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले जीवन बीमा कवर के लिए वार्षिक प्रीमियम क्या है? 436 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये और 500 रुपये। तो इसके जो वार्षिक प्रीमियम है वो 436 रुपये। अब ये जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, ये एक एक वर्षीय बीमा योजना है। एक वर्षीय जीवन मतलब एक, आपने 1 वर्ष के लिए इसका प्रीमियम राशि भरोगे तो 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से इसका नवीनीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर के जो लोग हैं वो 18 से लेकर 50 आयु वर्ग के लोग हैं वो इसके लिए पात्र हैं। और अगर आपकी 60 साल के बाद में किसी भी कारणवश अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। पहले जो इसकी प्रीमियम राशि थी वो कितनी थी, 330 रुपए, और वर्तमान में बढ़ाकर इसकी कितनी कर दी गई है, 436 रुपए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नए श्रम संहिता किस तंत्र के माध्यम से गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं? पेंशन फंड, सामाजिक सुरक्षा कोष, विशेष कल्याण कोष और कॉरपोरेट फंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक सुरक्षा कोष। इसमें अब 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन है जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। सबसे पहले गिग क्या होता है, गिग श्रमिक क्या होता है, गिग जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जितने भी हैं, इनमें जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो किस में आते हैं, गिग श्रमिक में आते हैं। इसका मतलब जो कंपनी हो गई, कंपनी और श्रमिक के मध्य क्या हो गया, एक इसमें ये संविदा के रूप में मतलब अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसे मिलेंगे, और जब ये काम बंद कर देंगे तो इनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये हो गए गिग श्रमिक। तो इनको अगर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष है वो बनाया गया था 2020 में, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता बनी थी उसके अंतर्गत ये सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया गया था। अब गिग वर्कर्स के लिए
जो राजस्थान सरकार है उसने गिग वर्कर्स के लिए 2022 में एक एक्ट लेके आई थी, गिग वर्कर्स के लिए। और उस एक्ट के तहत जो गिग वर्कर्स थे उनको सामाजिक सुरक्षा की क्या गारंटी दी गई थी। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करनी है। तो गिग वर्कर्स का जो एक्ट है 2023 वाला, वो भी हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे ये गिग है तो इसका एक मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी या गिग श्रमिक से आप, गिग इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, गिग इकोनॉमी आज के इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें महत्वपूर्ण रोल कैसे कर रही है, और इसके जो गिग वर्कर्स है इनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं और इनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा योजना में क्या पूछा है, सूक्ष्म लघु व्यवसाय उद्यमों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण दिया जाता है और सरकार द्वारा स्वरोज की सुविधा के लिए कार्यान्वित किया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। जो पीएम मुद्रा योजना थी इसके उद्देश्य क्या था कि जो लघु उद्योग है या सूक्ष्म उद्योग है उनमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या है, सरकार द्वारा 10 लाख तक का क्या ऋण दिया जाता था। इसमें ऋण की 3 श्रेणियां होती थी, आप सबने पढ़ा होगा, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। कितना है शिशु में, 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख रुपए तक के ऋण देने की इसमें सुविधा है। तो ये हो गई हमारी पीएम मुद्रा योजना। अगर ये पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन सा जो कूट है वो सही है या गलत है, ये पीढ़ी के हिसाब से ध्यान रखना इनको। अगला क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना SC ST और महिला उद्योगों को ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच ऋण प्रदान करती है और नाबार्ड पुनर्वित्त एजेंसी है। तो जो दो मोदी जी ने शुरू की थी योजना, स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना, जो स्टैंड अप योजना है इसका संबंध महिला वर्ग एवं SC ST वर्ग के लिए है कि कोई भी महिला वर्ग या SC ST वर्ग है वो अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए, नया उद्यम कैसा हो सकता है, विनिर्माण सेक्टर से होता है, उद्योग क्षेत्र से हो सकता है या फिर कृषि क्षेत्र से हो सकता है, अगर उसमें वो ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करें। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मैंने पढ़ाया था आपको, जो FDA होते हैं उसमें एक होता है ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, कोई संस्था है वो अगर अगर अपना नया उद्यम स्थापित करती है, नया प्लांट लगाती है तो वो किस में आ जाएगा, ग्रीन फील्ड में। तो इस योजना में जो स्टैंड अप है इसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, स्टैंड अप मतलब क्या हो गया, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है, और स्वरोजगार को बढ़ावा दो। अगर अगला सेंटेंस इसमें है कि नाबार्ड पुनर्वित्त एजेंसी है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सिडबी, जो सिडबी हम पढ़ते हैं वो इसकी क्या है, नोडल एजेंसी या फिर जो पुनर्वित्त एजेंसी है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा पूछा है, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। पहला स्टेटमेंट है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया दोनों ही देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम है, और सेकंड है कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से केवल ग्रामीण उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। विकल्प कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही है ये पूछा है, तो इसमें सही है दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया है इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, देश में रोजगार के अवसर सृजित करना, देश में
जो निर्यात है उसको बढ़ावा देना, दोस्त देश में जो उद्यमिता की संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, ये सारे के सारे क्या है, इसके इन दोनों के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो माने जाते हैं। और फिर क्या पूछा है, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से केवल ग्रामीण उद्यमिता विकास पर केंद्रित है, तो ये गलत है क्योंकि यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी दोनों पर केंद्रित है। तो हमारा स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1951 में घोषित औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, उदारीकरण और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, सभी प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और उद्योगों पर नौकरशाही नियंत्रण को मजबूत करना। तो आप सबको पता होगा ये, तो जो 1991 की औद्योगिक नीति थी जिसको मनमोहन नरसिम्हा जो नीति है वो भी कहते हैं, और इसमें क्या किया था, भारतीय इकोनॉमी में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए हमने क्या अपनाया था, एलपीजी को अपनाया था, निजीकरण, उदारीकरण एंड वैश्विकरण, ये हमें अपनाया था। अब ये तीनों को टर्म को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वैसे भी जो ये टर्म है या फिर औद्योगिक नीति है ये हमारे मेंस के सिलेबस में तो हमको पूरा पढ़ना होगा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एलपीजी में तीनों जो शब्द है इनका मतलब क्या होता है। एल यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो उदारीकरण का मतलब होता है कि बाजार में या इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ये तो हो गया उदारीकरण। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या होगा, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें औद्योगिक नीतियां पढ़ते हैं शुरुआत में, उस उन औद्योगिक नीतियों में ये दे रखा है कि कुछ प्रमुख उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए। अब एक वर्ड आता है हमारा सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सबके लिए, पर इकोनॉमी में सार्वजनिक का मतलब होता है हमेशा ध्यान रखना सरकारी, जहां पर भी लिखा हो सार्वजनिक व्यय मतलब सरकारी व्यय, ठीक है। तो जो 1956-48 की नीतियां हैं उसमें क्या किया गया था, कुछ उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र वो निवेश नहीं करता था, परंतु निजीकरण अपनाने का मतलब ये हो गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उसमें निजी क्षेत्र भी निवेश कर सकते हैं। और अगला है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया, मुक्त व्यापार सेवाएं, मतलब एक देश दूसरे देश में कोई भी वस्तु या सेवा भेज सकता है और ले सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा वैश्वीकरण, ठीक है। तो औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, सा उदारीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अगला क्वेश्चन, उन्नीस सौ इक्यावन की औद्योगिक नीति ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। पहला स्टेटमेंट, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एकाधिकार को मजबूत करके, प्रतिस्पर्धी कानूनों को पूरी तरह से हटाकर, निजी उद्यमों से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भूमिका को कर करे। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें सही है, सीधा सा है, क्योंकि औद्योगिक नीति में क्या पूछा है, जो कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कब होगी, जब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों काम करेंगे। तो निजी क्षेत्र क्या प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लाभ कब कमाएंगे, जब वो किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और कीमत में भी कमी हो कम होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एक हेल्दी कंपटीशन का विकास होगा, और यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया, कौन से कारण रहे। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप में वृद्धि, 1991 के सुधार के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन, प्रत्यक्ष जो एफडीआई में उछाल और उच्च आयात टैरिफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। 2008-09 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी जो अमेरिका से शुरू हुई थी और लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उसने प्रभावित किया था, तो कुछ हद तक भारतीय इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हुई, परंतु जितनी यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिकन जो अमेरिका है उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई उसके कंपैरिजन में भारतीय अर्थव्यवस्था कम प्रभावित हुई। इसका कारण क्या था कि हमने एलपीजी को अपना लिया था,
ठीक है। और इसका दूसरा कारण यह था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह बचत आधारित अर्थव्यवस्था है। बचत आधारित मतलब हमारे पास जितने भी पैसे हैं तो हम क्या करते हैं, घर में रख देते हैं, उनको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, ना तो म्यूचुअल फंड में ना भी शेयर मार्केट में। तो हमारी अर्थव्यवस्था बचत आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण जो वित्तीय संकट है उससे अधिक प्रभावित नहीं हुई। तो ये दो कारण थे इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित विकसित भारत संकल्प का लक्ष्य क्या है? पहला है समाजवादी इकोनॉमी और 2047 तक आर्थिक विकास की समग्र दृष्टि, भारत में एफडीआई को प्रतिबंधित करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कम करना। तो सेकेंड ऑप्शन, विकसित भारत संकल्प 2027 तक भारतीय इकोनॉमी को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, अब विकसित भारत के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, सरकार के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक भारतीय इकोनॉमी का आकार क्या होगा, 3, 5, 6 और 60 ट्रिलियन। तो 2030 तक भारतीय इकोनॉमी का जो आकार है वो लगभग 60 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होने की संभावना है। और इनका इसमें ये सरकार ने ये किया है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, 5 जो ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है वो अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमान में लगभग भारतीय इकोनॉमी का जो आकार है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो लाइन है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर उसमें हमें सुझावात्मक देना है, कुछ निष्कर्ष के रूप में लिखना है, तो उसमें ये लिखेंगे कि सरकार ये हम योजना या फिर इस नीति के द्वारा हम 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह नीति या यह परियोजना सहायक होगी। ये लास्ट में डाल देना किसी भी मेंस के क्वेश्चन में जो इससे रिलेवेंट हो। ठीक है, और इसको 5 जो ट्रिलियन है 2025 से, इनको कर इसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर देना, ये आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंस में आधा आधा पाव पाव नंबर इनकी ही वैल्यू होती है। अगर हर पेपर में आधे आधे से दो चार नंबर बढ़ जाते हैं तो चारों पेपरों में लगभग 10-12 नंबर का गैप हो जाता है। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको मेंस में ध्यान रखना है। जैसे कुछ इकोनॉमी के मैं कीवर्ड आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, जैसे एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्री आ गया, सेवा क्षेत्र आ गया, या फिर एफडीआई वगैरह जो भी है, तो उनमें की वर्ड का यूज हम हर क्वेश्चन के अंदर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और क्वेश्चन में जैसे की वर्ड आते हैं उनके नीचे आप अंडरलाइन कर दो तो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा और आपको ज्यादा ही नंबर देने की जो संभावना है वो रहेगी। अगला क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन के उपयोग को बढ़ावा, कीटनाशकों के उपयोग के लिए सब्सिडी और यूरिया एवं डीओपी की खपत। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया हमारे, हमने इसको पहले भी पढ़ लिया था कि जो पीएम प्रणाम योजना है वो रासायनिक उर्वरक और वैकल्पिक उर्वरकों के मध्य मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये प्रणाम योजना शुरू की गई थी। मेंस का क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें इस योजना को हमें मेंशन करना होगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट ने किस पोर्टल के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीएआईटी एवं तृप्ता टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है भारत उद्योग पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भारत ई मार्ट। तो हमारा जो भारत ई मार्ट है इसके साथ हमने क्या किया है, समझौता पर हस्ताक्षर किए। अब ये सब क्या है, इंडिया ई मार्ट जो भारत ई मार्ट है इसका जो प्रमुख उद्देश्य स्थापित क्यों किया गया ये देखते हैं। जब से देश पूरे विश्व के अंतर्गत जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसके बाद में भारत में स्पेशली जो ई कॉमर्स है उसका रोल बढ़ गया। लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से वस्तुओं को खरीदते हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से। इससे प्रभाव ये हो गया कि जो भी परंपरागत दुकानदार हैं उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनका बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया।
तो जितने भी जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने मिलकर एक भारत ई मार्ट नामक पहल शुरू की। ये एक ऑनलाइन पहल है। इसमें क्या करेंगे, हमें कोई भी अगर वस्तु खरीदनी है तो दुकानदार घर पर डिलीवरी करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ई कॉमर्स का विकल्प करने के लिए जो पारंपरिक व्यवसायी है उन्होंने इस पोर्टल को शुरू किया है। और इस पोर्टल का नाम क्या है, भारत ई मार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें क्या दे रखा है, व्यापारियों के परिसर से पिकअप और पूरे भारत में माल की डिलीवरी करने के लिए पंजीकृत व्यापारी लगभग कितने, 8 करोड़। और इसका लाभ क्या होगा कि जितने भी छोटे व्यापारियों को और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेंगे और व्यापार एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। मेंस और प्री की दोनों के लिए कपड़ा मंत्रालय के तहत समर्थ योजना के निम्नलिखित किस पर केंद्रित है, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, वस्त्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, कपड़ा क्षेत्र में कौशल उन्नयन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना, और कपड़ा निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी प्रदान करना। तो जो समर्थ योजना है वो कपड़ा क्षेत्र में कौशल उन्नयन एवं रोजगार के अवसर सृजित करने से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि जो कपड़ा क्षेत्र है ये देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत की जीडीपी का लगभग 2% कपड़ा क्षेत्र में, और जो कुल हम निर्यात करते हैं उस निर्यात का लगभग 12% किसका हिस्सा है, इसका, कपड़ा वस्त्र उद्योग का। और लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो ये देश की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण जो है, जो कि कारक या फैक्टर माना जाता है। और उसके लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, समर्थ योजना। इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट योजना है और उसका नाम क्या है, पीएम मित्र पार्क योजना। नाम सुना होगा सबने, और मेंस के लिए तो कुछ योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कपड़ा वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग की वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, या भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग की क्या महत्व है, ये पूछ सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, तो प्रयास में हम क्या लिखेंगे, समर्थ योजना, ये समर्थ योजना का उद्देश्य है। फिर लिख देंगे पीएम मित्र पार्क योजना, और पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में जो जानकारी है वो लिख लेंगे। या फिर ये सीधा पूछा जा सकता है, पीएम मित्र पार्क योजना है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो ये पीएम मित्र पार्क, हम जब थोड़े दिन बाद जब योजना एवं नीतियां करेंगे तो उसमें पीएम मित्र पार्क को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कपड़ा क्षेत्र है उसमें एक जूट आई केयर नाम की भी योजना है, वो भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन एसवीपी क्या है, एक निजी स्वामित्व वाली इकाई, केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली, केंद्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त स्वामित्व। पूछ लिया पीएम मित्र पार्क का क्या है, केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच में एक संयुक्त स्वामित्व है। और जो शुरू की गई थी उसमें लगभग 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव था, और इसका जो बजट है वो लगभग कितना था, 444.5 करोड़ इसका बजट था। इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समर्थ अभियान के किस पर केंद्रित है, डिजिटल इकोनॉमी में ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना। तो जो समर्थ अभियान है वो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका प्रमुख पर्पज है। तो सीधे सब किसने अगर आ जाए, समर्थ अभियान क्या है,
तो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल इकोनॉमी है या डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा देना। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? समर्थ योजना, कंफ्यूज मत होना। समर्थ योजना किससे है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये समर्थ अभियान। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सागर सेतु मोबाइल ऐप किस पोर्टल से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय समुद्री रसद प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन, राष्ट्रीय शिपिंग एवं बंदरगाह एकीकरण प्रणाली और डिजिटल समुद्री गेटवे। तो जो सागर सेतु मोबाइल ऐप है वो हमारा आंसर दो। जो राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन है इससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो पोर्टल है इस पोर्टल में क्या है? समुद्री व्यापार के लिए ये क्या है? ये क्या सिंगल विंडो है। समुद्री व्यापार के लिए क्या है? ये एक सिंगल विंडो है। इसका मतलब क्या हो गया? समुद्री व्यापार से संबंधित जो भी इश्यू है उनके निवारण है वो एक स्थान पर और त्वरित रूप से हो जाता है। तो ये क्या है? हमारी जो सागर सेतु तो मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है कि स्मार्ट प्रोजेक्ट पहल स्मार्ट पहल के लिए कौन सी एजेंसी भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है? तो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट स्मार्ट, वर्ल्ड बैंक, जीका, एशिया विकास बैंक और यूरोपियन संघ। तो भाई ये प्रोजेक्ट स्मार्ट पहल है, इसके साथ जीका ये सहयोग कर रही है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट स्मार्ट पहल है क्या? जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे लाइन है उससे संबंधित है कि मुंबई जो अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे है उसका विकास किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा होगी, कम समय में ये दूरी है वो तय हो जाएगी, इसके आसपास के क्षेत्रों में है जो कि औद्योगिक विकास करना ये इससे संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट स्मार्ट पेन। ध्यान रखना ये फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो रेलवे है वो अभी चर्चा में बनी हुई है, तो ये ध्यान रखना। जी का इसकी सहायक कंपनी है और आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछती है जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वो किसी प्रोजेक्ट को अगर वित्तीय सहायता करती है तो उसके बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोजेक्ट स्मार्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी बता दिया था, यात्रियों की पहुंच और सुविधा को बढ़ावा देना। किससे संबंधित है? ये मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है उससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट स्मार्ट याद रखना। कुछ आज ज्यादा ही प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, क्या करें भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो तपना तो पड़ेगा। तपने के बाद में जो सुकून मिलेगा वो एक अलग लेवल का है, ठीक है। तो आप अभी प्री और प्री के बाद में मेंस तक जितनी आप मेहनत कर सकते हो एक बार के लिए सारा एफर्ट लगा लो और अपनी जो भी सोशल लाइफ है उसको कम कर दो। जो ये जागरण राति जो का होता है, शादी होती है, इनमें जितना संभव हो सके आप ना जाएं ताकि आपकी कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी ना टूटे, ठीक है। और दबा के एक बार पूरे जोश उमंग के साथ एक बार तैयारी कीजिए ढंग से, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में जितने भी आपके सपने हैं वो आप क्या कर सकते हो, उनको मूर्त रूप दे सकते हो, ठीक है। तो भाई तपना पड़ेगा। तो ये सारी योजना जो प्रोजेक्ट है कितने भी कंफ्यूज कर रहे हैं इनको याद करना पड़ेगा। बार बार, दो बार, चार बार, पांच बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और जब ये इस प्रकार की चीज़ें याद हो जाती है तो उसके बाद में हम ये इसको भूलते नहीं। तो हम मेंस के अंतर्गत क्या इकोनॉमी में लोगों के जितने भी देख लो एस्पिरेंट है सबके कम नंबर है ज़्यादा कंपेरेटिवली, तो हम ये चीज़ें अगर डालेंगे वहाँ पुट करेंगे तो हमारे उम्मीद यही है कि मेंस में जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हम राजस्थान हिस्ट्री है उसके अंतर्गत खूब सारा पढ़ते हैं, खूब सारा टाइम है वो उस पर लगाते हैं, पर इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल कम टाइम लगाते हैं, जबकि वेटेज किसका ज़्यादा है? इसका। तो
और रास्ता निष्ठी मान लो एक एग्जाम्पल है, रास्ता निष्ठी हम जैसे उसको इतना ज़्यादा वेटेज ना भी देंगे ना तो भी वहाँ मेंस में कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे, क्योंकि वो प्री के हिसाब से हमारे पढ़े हुए हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो हमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी जो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है कि हम किस प्रकार पढ़ेंगे तो उसका हिस्सा है। तो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा वाइल्ड है कि आप कितना भी पढ़ लो उसमें ज़्यादा स्कोर होने की संभावना नहीं है। आप कर सकते हो पर 100% डैम श्योर नहीं हो, पर इसके अंतर्गत आप श्योर हो कि हाँ हमने इकोनॉमी को अगर इतना टाइम दिया है तो ये आपके लिए 100% फ्रूटफुल होगी। तो फर्स्ट पेपर में क्या है, अमूमन स्कोर वही होता है 60, 65, 70, 20 इकोनॉमी, तीनों पोर्शन में क्या हो गया 20, 20, 20 नंबर, एवरेज 60 ये ठीक है। तो हमें इस एवरेज को बढ़ाना है, अगर 90, 100 तक ले जाना है तो क्या करना होगा, इकोनॉमी में स्कोर है वो बढ़ाना होगा। ठीक है, अगला, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का कार्यालय किस वर्ष तक बढ़ा दिया है, 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक और 2026 तक। तो 2026 तक जो पशु अवसंरचना विकास निधि है इसका कार्यक्रम बढ़ा दिया है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसके लिए पशुपालन के क्षेत्र में सरकार ने ये एक निधि बनाई थी, और ये इस निधि का बजट कितना था, 750 करोड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2026 तक इसको एक्सटेंशन कर दिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2013, 2014, 2015 और 2016। भाई जी मोदी जी कद करियो, 2015 में स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, क्योंकि मोदी जी ने जब कार्यकाल संभाला था खूब सारे प्रोजेक्ट, खूब सारी योजनाएं आई थी 2014, 2015 और 2016 के अंतर्गत, क्योंकि मोदी जी ने क्या क्या इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे। तो उसका ये है कि स्किल इंडिया, भारत में एक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जो डिजिटल है उसके क्षेत्र में खूब काम हुआ। देखो मैं बार बार मोदी जी नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं मोदी जी का विरोधी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी इकाई कौशल भारत मिशन की वित्त शाखा के रूप में कार्य करती है, नीति आयोग, आरबीआई, मंत्रालय का एकीकृत वित्त प्रभाग और वाणिज्यिक मंत्रालय। देखो हमने कौशल जो इंडिया मिशन है उसके बारे में खूब चर्चा की, खूब पढ़ा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कहीं नहीं पढ़ते हम, ना तो कहीं टेस्ट सीरीज में मिलता है ना ही कंटेंट में मिलता है, तो इसको ध्यान रखना है। मंत्रालय का जो एकीकृत वित्त प्रभाग है वो भारत, जो कौशल भारत मिशन है उसका क्या है, एक नोडल एजेंसी है या फिर उसकी वित्तीय शाखा के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इसको भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो माहिर वर्ड है इसका पूरा नाम क्या है, हो सकता है कि पूछ ले माहिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, माहिर का पूरा नाम ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना माहिर का पूरा नाम क्या है, उन्नत एवं उच्च प्रभाव जो अनुसंधान मिशन है वो है। अब इसका उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, बिजली से संबंधित प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ावा देना और बिजली क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को सुविधाजनक बनाना। तो जो माहिर मिशन है उसका उद्देश्य क्या है कि बिजली क्षेत्र में स्वदेशी जो आधुनिक तकनीक है उनको बढ़ावा देना, तकनीक कैसी, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से बिजली क्षेत्र में है क्या है वृद्धि करना, ताकि देश में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें और हम क्या करें बिजली क्षेत्र में खुद है जो कि आत्मनिर्भर हो जाएं, ये इसका प्रमुख क्या है उद्देश्य है। तो बिजली क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को सुविधाजनक बनाना माहिर जो मिशन है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फिर वापस माहिर का पूछा है, माहिर मिशन के लिए कौन सा मंत्रालय बिजली क्षेत्र के साथ सहयोग कर रहा है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये जान लिया कि माहिर मिशन बिजली क्षेत्र से संबंधित है तो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या मंत्रालय। अगला क्वेश्चन,
तीसवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीएमयूवाई 2.0 के तहत प्रदान किए जाने वाला प्रमुख लाभ है? सभी नागरिकों के लिए सब्सिडी वाली गैस सिलेंडर, एलपीजी खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण, कम आय वाले परिवारों के लिए जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन और एक वर्ष के लिए मुक्त एलपीजी रिफिल। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, कम आय वाले परिवारों के लिए जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन किसका है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रमुख उद्देश्य है। सबने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जब हम थोड़े दिन बाद में जब हम प्री के लिए क्रैक कोर्स शुरू करेंगे उसके अंतर्गत ये सारी योजनाएं कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है हमारा, करंट का क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर पहल के बारे में, कितनी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? भाई ये जो पीएम सूर्यघर योजना है इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये योजना 2024 की है, करंट से रिलेटेड योजना है, और क्योंकि आज के क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा है या फिर नवीकरणीय ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीएम सूर्यघर जो पहल है इसका प्री के हिसाब से और मेंस दोनों के हिसाब से आपको इस योजना को तैयार करना चाहिए। तो कितनी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 30 गीगावाट जो सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की ये योजना है। अभी थोड़े दिन बाद में इसको हम ढंग से पढ़ लेंगे, जितनी भी इसकी प्रावधान क्या क्या है वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, पीएमएसवाईएम के अंतर्गत पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? सबसे पहले ये एसवाईएम का क्या मतलब हो गया, श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, क्योंकि पहला तो यही है कि ये सारा ये क्या कौन सी चीज आ गई जो पढ़ी नहीं है, एसवाईएम शॉर्ट नाम है, ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कौन सी नोडल एजेंसी है साहब? जीवन बीमा निगम, पहला ही हमारा आंसर है। ये जो श्रम योगी मानधन योजना ये क्या है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। असंगठित क्षेत्र जैसे हमने पढ़ा गिग वर्कर्स, ये क्या हो गए, असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जितने भी श्रमिक है वो कौन से है, असंगठित श्रमिक है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके प्रावधान थोड़े दिन बाद में हम पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि सर कह रहे हैं सारे ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं कराओगे तो सारे के सारी चीज़ें जो बताई गई कि बाद में करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ बाद में थोड़े दिन बाद में ये सारी की सारी चीज़ें और कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और क्लास यहाँ आपको समझाई जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, पीएम आवास योजना शहरी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर का स्वामित्व वयस्क पुरुष सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना चाहिए? इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में एससी एसटी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना नहीं है, इन सिटू स्लम पुनर्विकास पात्र झुग्गी निवासियों को घर उपलब्ध करवाना और भूमि का उपयोग संसाधन के रूप में करना। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इसमें सही है। जो पीएम आवास योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र में सभी को क्या होना है, आवास उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना संचालित है। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वनिधि योजना, घर निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना, कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को निधि प्रदान करना और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये है सर जो स्वनिधि योजना है, ये स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित योजना है और कोविड-19 के बाद ये योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की सुविधा केंद्र सरकार की योजना है और शहरी क्षेत्र के आसपास शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेहड़ी पटरी पर जो भी सामान बेचते हैं उनके लिए है। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है ये ध्यान रखना भाई, स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी या वित्त करने वाली संस्था कौन सी है, ये भी भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक है, सिडबी है, वो इसके रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये स्वनिधि योजना मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है।
वापस आ गया। समय पर ऋण चुकाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी दर क्या है? 5%, 7%, 10% और 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7%। अगर किसी स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है और वो ऋण अगर स्ट्रीट वेंडर्स टाइम पर जमा करा देता है तो उसके लिए उसको 7% प्रतिवर्ष क्या है, ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर। तो भाई ये हो गए आज के 35 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आज और करवा देता हूं। जो 50वां लास्ट क्वेश्चन है भाई ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुंजासर फड़ोदी किस कारण से चर्चा में रहा? पहला ऑप्शन है हमारा, मुंजासर ग्राम पंचायत को स्वच्छता अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया। मुंजासर ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो ISO है उसके द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। मुंजासर में एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया और मुंजासर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो मुंजासर फलोदी गांव है ये किसके लिए चर्चा में रहा? इसका ऑप्शन हमारा सेकेंड, जो मुंजासर ग्राम पंचायत है उसको अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो ISO है उसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मेरे गांव का नाम है, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे गांव को, ये राजस्थान का हमारा पहली जो ग्राम पंचायत है राजस्थान की, उसको ये जो ISO का है जो सर्टिफिकेट मिला है। तो हमारा गांव हमारा गौरव और हमें ये मिला, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हाल ही में मुंजासर फड़ोदी किस वजह से चर्चा में रहा, ये रहा ग्राम पंचायत मुंजासर पंचायत समिति आउ जिला जोधपुर, क्योंकि फलोदी उसके बाद में बना था। तो वर्तमान में हमारा जिला कौन सा है, फलोदी। कुशल बने गांव अपना यही है हम सबका सपना, और ये पंचायत जो आधुनिक तरीके से वो निर्मित हुई है। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप में से किसी भी एस्पिरेंट को किसी भी प्रकार के अगर कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो हमारे वीडियो के अंतर्गत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें और हमें ये बताएं कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी, और कोई भी समस्या हो तो आपको आप वहाँ जरूर बताएं, उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। हमारी जो क्यूबिट सीरीज है, क्यूबिट सीरीज के अंतर्गत आज हमारी इकोनॉमी की चौथी क्लास भी पूरी हो गई। उसके बाद में एक सीरीज और आएगी इकोनॉमी की, उसके बाद में जो फुल लेंथ पेपर है उसको डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में उसके जस्ट 2-4 दिन और उसके बाद में हम इंडियन इकोनॉमी सर्वे शुरू करेंगे और इंडियन जो बजट है वो शुरू करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अगली क्लासेस हैं वो आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहले क्या करेंगे, इकोनॉमी सर्वे, फिर करेंगे इंडिया का बजट, और उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, जो इम्पोर्टेंट योजना है प्री के हिसाब से, पहले अभी प्री के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, वो योजनाएं और उस योजनाओं के साथ साथ में जितनी भी पॉलिसी हैं नीतियां हैं वो करेंगे, और उसके बाद में जो भी हमारा इकोनॉमी का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम टू द पॉइंट तैयार करने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे टू द पॉइंट, हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे कि आपका एक बड़ा सा 200 पेज का रजिस्टर भर जाए, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे ताकि वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, आपके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ जो भी ज़्यादा जानकारी वो हम यहाँ समझा देंगे, और जो PDF प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंतर्गत टू द पॉइंट कंसाइज नोट्स देंगे ताकि आपको उसको ढंग से पढ़ सको और ढंग से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ मंगल हो।